नरेंद्र मोदी बायोपिक शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म को उमंग कुमार ने डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के पहले दिन की कमाई 5 करोड़ बताई जा रही है। फिल्म में विवेक ओबरॉय पीएम नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को मोदी लहर का फायदा मिला है। फिल्म के पहले दिन की कमाई 5 करोड़ बताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो कई सालों बाद ये विवेक ओबरॉय के करियर के लिए अच्छी फिल्म साबित होगी। बता दें, फिल्म को लेकर काफी विवाद रहा है। इसकी रिलीज डेट कई बार बदली गई है। फिल्म को पहले अप्रैल में रिलीज किया जाना था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण ऐसा हो नहीं पाया। विपक्ष का कहना था कि इस फिल्म से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा, इसी कारण से फिल्म को इलेक्शन तक बैन कर दिया गया था। अब फिल्म को 24 मई को रिलीज किया गया, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के एक दिन बाद। बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। फिल्म की कहानी मोदी की चाय बेचने से लेकर देश सेवा करने तक और फिर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दिखाती है। फिल्म की कहानी का अंत साल 2014 में नरेंद्र मोदी की पीएम पद पर शपथ लेने पर होता है। फिल्म में जरीना बाहो, बरखा सिंह गुप्ता, बोमन ईरानी, मनोज जोशी, राजेश गुप्ता जैसे सितारे हैं। विवेक ओबरॉय की फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला।